आगरा ग्वालियर रोड स्थित बाद फीडर से पोषित दर्जनों गांव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संविदा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर काम ठप कर बाद फीडर पर धरना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनके साथी संविदा कर्मी संजय सिंह और हीरालाल के खिलाफ विभाग ने FIR कराई है, जो कि निराधार है। निर्दोष संविदा कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है। जब तक उनको ड्यूटी पर वापस नहीं लिया जाएगा और उनके खिलाफ दर्ज FIR को वापस नहीं होगी, तब तक धरना जारी रहेगा। वहीं उन्होंने बताया है कि उपकरण अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार को ज्ञापन भी दिया गया है और अपनी मांगों को मांगा गया है। तो वहीं उपखंड अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार ने ज्ञापन दिया है और बताया है कि मुझे ज्ञापन मिला है और जांच के बाद कार्रवाई होगी, दोषी जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आइए जानते हैं। 33/11 KV उपकेंद्र बाद पर कार्यरत हूँ और मैं इस समय अपने संविदा कर्मियों के साथ और धरना प्रदर्शन पर बैठा हूँ। क्या मांगे आप लोग? मांग हमारी ये है कि हमारे जो संविदा कर्मी हैं, जो इन्होंने जो इनकी FIR की गई है, वो FIR हमने जाँच करके देखा तो ये अवैध रूप से थी। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे दोषी, जिनको दोषी करार दिया गया लड़कों को, जिनका नाम है संजय सिंह एवं धर्म सिंह, इन दोनों को जो कार्रवाई है उसे वापस लिया जाए या उसके जो पुनर्जांच करा रहे हैं तो उस जांच को शीघ्र अतिशीघ्र करा करके इनका जो दोषी करार है दोषी करार से मुक्त किया जाए। राम अवतार शुक्ला, संविदा कर्मियों के खिलाफ गलत FIR कर दी गई है जो कि दोषी नहीं है। दोषियों को बचाते हुए संविदा कर्मियों के खिलाफ FIR कर दी। हमारा मांग है कि हमारे निर्दोष संविदा कर्मियों को दोष मुक्त किया जाए, दोषियों को दंड दिया जाए। न्याय नहीं मिलेगा, हम कांट नहीं करेंगे, धरने पे यहीं बैठे रहेंगे। हमने SDO साहब को ज्ञापन दिया, SDO साहब को अवगत कराया, SDO साहब ने आश्वासन दिया कि जांच करा रहा हूं, जांच में निर्दोष को नहीं फंसाया जाएगा, दोषियों को दंड दिया जाएगा। जी, मैं रविंदर सिंह नाम है मेरा। दो साथी संजय और धर्म सिंह, इनके खिलाफ गलत FIR कर दिए, तो हम सुबह से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। और क्या चाहते हैं आप अधिकारियों से? ये चाहते हैं कि हमारे साथियों की FIR, जो निर्दोष हैं उनकी FIR को स्थगित किया जाए और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये FIR किसकी वजह से हुई और किसने करवाई? FIR ये जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया था इनको के वहाँ जाना है और काम करना है। चक्की जो है वो शिफ्ट हुई थी, उसके संबंध में इनके खिलाफ FIR हुई है, जो हमारे अधिकारियों ने बोला था इनसे। इनको मौखिक बताया गया था, लिखित में कुछ नहीं दिया गया था। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे जो साथी हैं संजय और धर्म सिंह, ये यहाँ पे दोबारा से ड्यूटी करें और इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो स्थगित की जाए। और ये आप लोगों की स्ट्राइक कब तक चलेगी? जब तक ये हमारी साथी यहाँ ड्यूटी पे नहीं आ जाते तब तक हम स्ट्राइक करते रहेंगे। अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन मिला? अधिकारियों की तरफ से SDO साहब को ज्ञापन दे दिया है। SDO साहब ने बोला है कि अभी जांच आएगी, जांच में निर्दोष पाए जाएंगे तो इनकी जगह है वो खाली रखी जाएगी, कोई साथी इनकी जगह पे नहीं लिया जाएगा। ताजनगरी आगरा के शमशाबाद कहरई रोड पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय चेतन झांकियों का कार्यक्रम संपन्न किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर अमित गौर पुष्पांजलि एवं संदीप भारद्वाज रहे। और वहीं कार्यक्रम की शुरुआत राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी कंचन बहन ने तिलक लगाकर सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत किया, तो वहीं राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी रेखा बहन ने सभी अतिथियों को माता रानी की चुन्नी भेंटकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी कंचन बहन ने सभी भक्तों को चेतन झांकियों का आध्यात्मिक रहस्य एवं मातम संदेश बताया कि परमात्मा परमपिता सर्वशक्तिमान है, हम सभी मनुष्य आत्माओं के पिता हैं, अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करने से हमारे जीवन में सच्ची सुख शांति आ सकती है। किसी मनुष्य आत्मा को याद करने से हमारा जीवन पर परिवर्तन नहीं हो सकता, यदि हम अपने को आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे जीवन में निश्चित ही परिवर्तन हो जाएगा। एवं राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी रेखा बहन ने माता रानी की शक्तियों के बारे में सभी को समझाया और कार्यक्रम में उपस्थित रहे
बी के सोनम बहन, बी के निधि बहन, बी के शिवानी बहन और बी के ज्योति बहन सहित सभी ने मिलजुल कर कार्यक्रम को सफल बनाया। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है इस कार्यक्रम को लेकर बहनों का। मेरे शरीर का नाम बी के कंचन बहन है। आज जो कार्यक्रम किया है इसका उद्देश्य क्या है? आज का जो हमने कार्यक्रम रखा है चैतन्य झांकियों के उपलक्ष्य में हमने कार्यक्रम रखा है, जो परमात्मा शिव आकर के इस कलयुग की रात्रि में हमको इन शक्तियों से जागृत करते हैं। वो कहते हैं कि अपने अंदर की शक्तियों को जगाओ। जो नारी शक्ति है वो अपनी शक्तियों को भूल चुकी है, इसलिए उन शक्तियों को जागृत करने के लिए देवियों के अष्टभुजाएं दिखाई हैं। वो अष्टभुजाएं ही हमारे अंदर की शक्तियां हैं। उन शक्तियों को परमात्मा की याद से हमें अपने अंदर जागृत करना है और जन जन का कल्याण करना है। यही है सच्ची सच्ची नवरात्रि।